नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्री न्यूज़ पर स्वागत है, सम्मान है। आज हम जो टेस्ट लिया गया था उसकी आंसर की बताने वाले हैं भाइयों, और जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार उनसे अपन बात कर लेते हैं, और सभी विद्यार्थी आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। प्राची शर्मा, राधे राधे। एम एस गुर्जर, राधे राधे। समाज अहमद, राम राम। सुचिता अग्रवाल सर, नमस्कार नमस्कार। सुरेंद्र भाई अचलपुरी, राम राम। सौरभ सिंहराज, राम राम। जीतू सैनी, नमस्ते। विष्णु सैनी गुर्जर, राम राम। संतो गुर्जर गोविंदपुरा, राम राम भाई। धन्यवाद संतो जुड़ने के लिए। और राजेश शर्मा, राम राम। सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाई फटाफट से शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे अपन आगे स्टार्ट करें, सेशन की शुरुआत कर सकें। शेयर करिए, संख्या कम है अभी जुड़ने वालों की, शेयर करिए फटाफट से। आज हम आंसर की बताने वाले हैं आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग की जो आंसर की है। मैं अभी जो बच्चे हमारे फर्स्ट विजेता सेकंड विजेता रहे थे, उन बच्चों से भी अपन आज बात करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं। बाकी उनकी जो राशि है वो सबको ट्रांसफ़र कर दी गई है, और उनसे अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। सुमन मीना, राम राम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जो आंसर की थी हमारी मैथ और रीजनिंग की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आंसर आंसर बता देता हूँ, फिर रीजनिंग के आंसर की मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, फिर आपकी क्लास रखेंगे आगे। विष्णु गुर्जर भाई, राम राम। फटाफट शेयर करिए भाइयों, फटाफट से शेयर करने का कार्य करें। और वीडियो की क्वालिटी वगैरह आज बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छी चल रही है। जो नेटवर्क की समस्या चलती थी वो बिल्कुल पूर्णतया समाप्ति की ओर है, और बढ़िया आपको सब व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। सर फेले की बता दो, सुरेंद्र अचलपुरी बोल रहे। फेले की किसकी बताना चाह रहे सुरेंद्र, समझा नहीं मैं बात को। देखिए रीजनिंग की मैं आपको आंसर की बता देता हूँ पहले, ठीक है। रीजनिंग की जो आंसर की है, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर जो पहला था, सभी भाई देख लीजिए फटाफट से। रीजनिंग के आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, और एक बार समझ लीजिए आप लोग। विकास इसको उसमें रख दे, किस में? देखिए सुरेंद्र भाई, ओके धन्यवाद। देखिए रीजनिंग के स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भाइयों। सभी भाई जो जुड़ रहे हैं वो एक बार देखने का कार्य करते हैं। सभी पहला क्वेश्चन है मेरा रीजनिंग का, मैं समझाता भी जाऊँगा साथ साथ। नमस्कार, क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इसी समस्या आ चुकी थी, और अब दोबारा से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। फटाफट से शेयर करिए भाइयों, बच्चों की संख्या कम हो गई निश्चित रूप से। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अब सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तराम भाई नमस्कार जुड़ने के लिए। तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी देखिए ये मेरा पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप फटाफट से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा मानक पासा है? ए बी सी 3 4 2 और प्लस माइनस प्लस गुणा 1 3 5। तो देखिए इनमें से मानक पासा कौन सा है, तो मानक पासा होगा बेटा ये वाला, डी वाला आंसर। यहाँ पर ये मानक पासा होगा 1 3 5 वाला, ठीक है। 1 3 5 वाला मानक पासा है। जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो सभी शेयर करें बेटा दोबारा से, क्योंकि विष्णु कुंदेल बेटा जुड़ने के लिए धन्यवाद। विष्णु कुंदेल आपसे, आपके लिए हमने जो इनामी राशि थी वो ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में कर दी है, शायद पहुँच चुकी होगी। विष्णु कुंदेल एक बार ओके कर दें, कल अपन शाम को आपसे सभी लोगों से जिनके रैंक फर्स्ट थी उनसे अपन कल शाम को 4 बजे बात करने वाले हैं, लाइव के थ्रू 4 बजे बात करेंगे। विष्णु कुंदेल जुड़ रहे हैं, एक बार ओके कर दीजिए, आपके अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। देखिए फटाफट से पहले का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था,
ये वैसे मैं समझा देता हूँ मानक पासा ये कौन सा है। तो मानक पासा हमारा ये इसलिए है, ये मानक पासा नहीं होगा क्योंकि मानक पासा में केवल और केवल 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। पुष्पिंदर पांडे गुड इवनिंग भाई, धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए ये पहला वाला बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि मानक पासे में संख्या निश्चित होती है 1 से 6 तक, तो 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है, यानी विपरीत शतों का योग 7 होता है, विपरीत शतों का योग 7 होता है। तो विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे, इसलिए मानक पासा नहीं है, ये होगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस नहीं होते। और ये बच गया आपका, इनमें कोई भी विपरीत एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बिल्कुल मानक पासा है। स्टडी बाय राहुल जेमन, जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो 4 के सामने क्या होगा। एक पासा है उसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं आपको, ये देखिए आप लोग फटाफट से, एक पासा है, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, 2 6 3, 2 6 3, 3 4 और 6, ये 2 स्थितियां हैं। इन 2 स्थितियों के आधार पर 4 के सामने कौन होगा, 4 के सामने कौन होगा, देखिए इसको किस तरीके से निकालना है, 4 के सामने कौन होगा। सृष्टि क्लास सर भुसावर के लिए धन्यवाद। विष्णु कुंदेल बोल रहे सर पिछले नहीं डाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिछले वाले अब डालेंगे, कल हम आपसे बात करेंगे निश्चित रूप से, तब करते बाद। पिंटू मीना राम राम। देखिए एक पासे की 2 स्थितियां देखेंगे तो 4 के सामने क्या होगा। तो देखिए ये 2 पासे दे रखे हैं और 2 पासों में संख्या हमारी कॉमन है 3। जब 2 पासे दे रखे हों और 1 संख्या कॉमन दे रखी है तो आपको क्या करना होता है। देखिए विष्णु कुंदेल धन्यवाद। देखिए तो ये जो मैं बोल रहा था, इन दोनों के अंदर में 1 संख्या कॉमन है, जब कॉमन संख्या होती है तो हमें क्या करना होता है, उस कॉमन संख्या से अपन घड़ी की दिशा में चलते हैं भाइयों। तो देखिए इन दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 6, ये इस तरीके से लिखने वाले। इधर देखिए सर्वप्रथम 3 फिर 6 फिर 4, ये घड़ी की दिशा में इस तरीके से चलते हैं भाइयों, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। निकिता जांगड़ जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चंदेर गुर्जर राम राम भाई धन्यवाद। विष्णु कुंदेल कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा था, अच्छा अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल निश्चित रूप से जो इनामी राशि है सभी भाइयों की डाली जाए। तो देखिए इसमें इसमें मैंने आपसे बोला 4 के सामने क्या हो, तो विद्यार्थियों इसमें 2 संख्याएं कॉमन मिल रही है, इसमें तो इसमें 2 संख्याएं कॉमन मिल रही है, 3 और 6, इसमें भी 3 और 6, तो आराम से ये तो कट जाएगा, तो 2 का विपरीत कौन आ जाएगा, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 का विपरीत कौन होगा, 4, तो 4 के सामने कौन होगा, 2 होगा भाइयों। और ऑप्शन ये दे रखा है, 2 जो है 1 2 3 4, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, 2 आंसर होगा इसका, ठीक है ना। सभी भाई जो जुड़ रहे हैं सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। संख्या थोड़ी सी कम लग रही है मुझे आज, क्योंकि आंसर की डाल रहे हैं, तो बेटा आंसर की जो डाल रहे हैं उसको समझने का भी प्रयास करते रहे आप, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो समझने का प्रयास करते रहे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि मैं कमेंट का तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। विष्णु कुंदेर बोल रहे हैं तहे दिल से आपको भी धन्यवाद। विष्णु भाई बिल्कुल धन्यवाद आपको, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेहनत करते हैं, आपका मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। KKM कैलाश धन्यवाद भाई, राम राम भाई, गौरव कुमार राम राम भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक ही घन की 2 स्थितियां हैं, एक घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या किस क्या है। अदृश्य का मतलब ये जो संख्या दिख नहीं रही है, छिपी हुई संख्या है, वो किसके सामने होगी भाइयों, किसके सामने होगी, ये कह रहा है ऑप्शन में। तो देखिए 2 आकृतियां हैं, 1 2 3, 1 2 3, 6 3 और 4। देखिए इसमें मैंने बोला अदृश्य संख्या किसके सामने है, तो इसमें एक संख्या छिपी हुई है 5, या जो भी संख्या होगी, 5 का मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, जो भी संख्या छिपी हुई है किसके सामने होगी, ठीक है। आर पांडे भी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आर पांडे भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तो क्वेश्चन मैंने बोला एक घन की 2 स्थितियां हैं, तो अदृश्य संख्या कहाँ है, ये क्वेश्चन था मेरा। तो देखिए ऑप्शन ए था, यानी ऑप्शन एक था 2 के सामने, क्या 2 के सामने हो सकती है, अदृश्य संख्या होगी निश्चित रूप से 3 के सामने, क्योंकि हमें जो कॉमन संख्या होती है और कॉमन का जो विपरीत होता है वो होता है अदृश्य संख्या। अदृश्य का मतलब होता है यहां पर छिपी हुई संख्या, जो संख्या छिप रही है या जो इसमें नहीं दिख रही वो होती है, ठीक है ना भाइयों। तो इसका मतलब 3 के सामने होगा, और ये 3 के सामने जिस ऑप्शन में है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अभय गुर्जर गुरुजी राम राम धन्यवाद अभय भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली वंशी नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आंसर की जो हम रहे हैं, आंसर जो बता रहा हूँ भाइयों, सभी अच्छे से समझने का प्रयास करना, और यदि कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करते रहें, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएं। पवन चौधरी नमस्कार भाई, धन्यवाद जुड़ने के लिए बेटा, आप तो बिल्कुल आपका प्यार है, इसी तरीके से बनाए रखें, ठीक है। और अगला टेस्ट आपका होगा उसमें पुलिस लेवल के हिसाब से होगा, उसमें राजस्थान जीके भी रहेगी आपकी, मैं बता दूं बीच बीच में, राजस्थान जीके भी रहेगी आपकी, उसमें रीजनिंग रहेगी आपकी, उसमें साइंस रहेगी, उसमें आपकी कंप्यूटर रहेगी, और पुलिस का जो सिलेबस के अनुसार आपकी जो लेवल के क्वेश्चन है, सभी पुलिस लेवल के जो क्वेश्चन है वो सब आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। केवल पुलिस लेवल का एग्जाम होगा, और ये पुलिस लेवल का जो एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे वो विद्यार्थियों को ये देखेंगे पुलिस की तैयारी इन भाइयों की कैसी, बहुत अच्छी बात है। आपका ये टेस्ट हम रखेंगे, ये टेस्ट रखेंगे वो सोमवार को रखेंगे भाई, क्योंकि रविवार बच्चे को एक दिन का टाइम भी मिल जाता है, हमने जो शनिवार को लेते हैं इसके बजाय हम सोमवार को लेना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि रविवार को बच्चे दिन आराम से घर पर बैठ के तैयारी कर सकता है, जैसे सोमवार को पेपर दे पाए, क्योंकि बच्चे कोचिंग भी पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना भाइयों। सभी भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, और ऐसी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो होगी इसकी आपको घोषणा कर दी जाएगी पहले, जुड़ते रहें और देखते रहें। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर चार है, देखिए क्वेश्चन नंबर चार में हमारी दो आकृतियां बना रखी है भाइयों, और आकृति थी 1, 3, 5, 3, 4, 6, और इस क्वेश्चन में था आकृतियों के आधार पर कौन सा पासा संभव है, कौन सा पासा संभव है, ये क्वेश्चन मेरा, कौन सा पासा संभव है। तो देखिए इसके आधार पर कौन सा पासा संभव है, आप समझ रहे होंगे इन दोनों आकृतियों में कॉमन हमारा कौन है, तीन भाइयों, तो देखिए इसमें विपरीत निकालना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कौन सा पासा संभव है। तो देखिए दोनों में कॉमन तीन है, तो 3, 5 इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा 3, 4, 6, जो संख्या कॉमन होती है वहां से घड़ी की दिशा में लिखते हैं भाइयों, ठीक है। तो देखिए 4 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 3 का विपरीत छिपी संख्या या फिर क्वेश्चन के अनुसार 2 माना जाएगा, देखते हैं क्या दे रखा है, किस तरीके से चीजें हमको दे रखी है, ठीक है ना भाइयों। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में बोला गया कौन सा पासा संभव है, यह आपको ध्यान रखना है, कौन सा पासा बन सकता है ये आपको सोचना है। देखिए फटाफट से देखते हैं कौन सा पासा संभव है हमारा और कौन सा पासा संभव नहीं है, ठीक है ना। ये 4 हमने बना दिए हैं, बच्चों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम दिख रही है, हो सकता है उनको शायद पता ना हो, ऐसा कोई कारण हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए आकृति के आधार पर कौन सा पासा संभव है, तो देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 6 और इसमें लिखा हुआ है 1, 3, 6, 1, 3, 6। तो देखिए ये 4 आकृतियां हैं, इन 4 आकृति के आधार पर कौन सा पासा संभव है, आप भी कमेंट करके मुझे आंसर देते रहें इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है, कल अगर आपने नहीं दे पाए थे आज तो देने का प्रयास करें, जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो आराम से आंसर भी देते रहें, देख तो लूँ मैं आपका आंसर जो दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, आप आंसर भी देते रहें जो जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चलो कोई नहीं। देखिए कौन सा पासा संभव है, तो देखिए पहले वाले के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले वाले में 2 और 3 एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अदृश्य संख्या इसके अनुसार 2 है, तो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। जो भाई जुड़ रहे हैं वो आंसर देते रहे अगर दे सकते हैं तो। ये दूसरा वाला देखिए हो नहीं सकता, क्योंकि 4 का विपरीत 5 है, देखिए 4 और 5 एक साथ नहीं आ सकता, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, इस वजह से ये गलत है, ठीक है ना भाइयों, सोनाली बंसी सी बता रहे हैं, ठीक है। ये सी देखते हैं, 2 का विपरीत हमारा कौन हो गया 3, 4 का विपरीत कौन हो गया हमारा 5, 6 का विपरीत एक, बिल्कुल तीसरे वाला सही है, बिल्कुल सही है सोनाली बंसी, बिल्कुल आपका सही है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 1 का विपरीत 6 दे रखा है, तो इसलिए गलत है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका आंसर आ जाएगा सी, पिंटू मीना बिल्कुल सी होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आता हो, नहीं आ रहा हो, समस्या आ रही हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको 3 आकृतियां दे रखी हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो शानदार भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5वां, इसमें लिखा हुआ 2, 3, 6, 2, 3, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 1, 3 और प्रश्नवाचक, इस प्रश्नवाचक पर क्या आएगा, ऑप्शन में है 2,
4, 1, 6, ये ऑप्शन है मेरे, 2 आएगा कि 4 आएगा या 1 आएगा या 6 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही होगा, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए इसमें विपरीत आपको पता चल जाएगा, इसके आधार पर विपरीत क्या होगा, इसके आधार पर दोनों में कॉमन 6 है, तो 6, 3, 6, सबसे पहले 6, 2,